और रेफरी ने इजाजत दिया पहली सर्विस रिजवी क्लब हल्लोर की तरफ से बॉल को क्रॉस किया। इसी आउट वाली तेज वाली को खाता खोलना बाकी। हल्के हाथों सर्विस बहुत अच्छा रिसीव और अच्छा सा जबरदस्त वाली पड़ने की उम्मीद थी। नंदू के हाथों में बॉल थी, उम्मीद था बहुत तेज वाली पड़ेगी मगर ऐसा हुआ नहीं। और एक बार फिर साहिल के हाथों में बॉल प्लेस करना चाहते थे मगर प्लेस भी निकलने नहीं दिया और इसी बीच प्लेस किया, कामयाब भी हुए झकरिया के खिलाड़ी। तो स्कोर बढ़ता हुआ उन आल या तो बैठ जाए या तो दूसरी तरफ हो जाए। और हल्के हाथों प्रेस किया था वहां पर डाई लगाकर बॉल को डिफेंस किया और इससे पहले कि कामयाब हो पाते बहुत अच्छा डिफेंस। नंदू के हाथों में बॉल थी और वाली लगाया फायदा नहीं पहुंचा सके और ये दो दो बनाकर थे नंदू और साहिल। ज्यादा नहीं होगा कि इंतजार किया जाए भोलापुर और जमदाशाही इस मैच के बाद। तो स्कोर बढ़ता हुआ 2-2 और हल्के हाथों प्लेस किया था बेहतरीन बलाक और जबरदस्त दो मरतबा वाली लगा चुके हैं। दहिया की तरफ से रेफरी की मिसल हुई और ये आउट मार बैठे सर्विस तो दोनों टीमों के स्कोर बराबर करने के लिए तैयार। रेफरी की मिसल हुई, अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छा रिसीव और हल्का सा प्लेस किया था उससे पहले कि कामयाब हो पाते मगर अपने पैरों से डिफेंस किया बेहतरीन डिफेंस और प्लेस किया कामयाब भी हुए। एक और पॉइंट जाता हुआ झकहिया के खाते में तो स्कोर बढ़ता हुआ 4-3 जबरदस्त वाली गोपाल के हाथों देखने को मिली तो स्कोर बढ़ता हुआ 4-4 से सर्विस बेहतरीन लंबे कद के खिलाड़ी गोपाल कनेक्ट किया रेफरी की मिसल हुई, बहुत अच्छी सर्विस बहुत अच्छा रिसीव अच्छा सा रे साहिल के लिए देखना हो प्लेस किया कामयाब भी हुए प्लेस साहिल। अपनी टीम का स्कोर संघर्षशील ये मुकाबला पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसी एक और पॉइंट झकहिया के खाते में जाता हो तो झकहिया स्कोर हुआ 6-5। इसमें आउट मारने में कामयाब रिजवी क्लब हल्लोर के खिलाड़ी। तो स्कोर बढ़ता हुआ 6-6। कदम से कदम मिलाकर चलना कितनी देर तक का सफर है ये वक्त बताएगा। और इस बीच नंदू के हाथों में बॉल जबरदस्त वाली मगर ये पहुंचे बाहर दूसरे खिलाड़ी के अच्छी वाली नंदू के हाथों पॉइंट मिला झकहिया के स्कोर बढ़ता हुआ 7-6 पॉइंट लेने का नंबर आ गया हुआ के खाते में स्कोर बढ़ता हुआ 8-6 से सर्विस। झकहिया की तरफ से और इस बीच प्लेस किया वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। एक और पॉइंट जाता हुआ झकहिया के खाते में स्कोर बढ़ता हुआ 9-6 दिलचस्प मुकाबला। इस बीच बहुत अच्छी वाली उससे कहीं ज्यादा अच्छा डिफेंस एक बार फिर पूरा मौका है हल्लोर के पास देखना क्या कर पाते और एक हाथ से डिफेंस बहुत अच्छा डिफेंस और बॉल दोबारा ग्राउंड में भेजा जबकि वो पहुंचे बाहर था। नंदू के हाथों में बॉल थी और कामयाब हुए थे कॉल मारने में। अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 10-6 चार पॉइंट टीम आगे झकहिया के खिलाड़ी स्कोर 10-6।
से सर्विस करने के लिए तैयार। बहुत अच्छा रिसीव तो नहीं मगर बाल को क्रॉस किया नंदू के हाथों में, बाल थी अच्छी वाली, काफी देर के बाद ऐसी वाली देखने को मिली। उसको बढ़ता हुआ 11 और 6, 5 पॉइंट पीछे। तो काफी देर से बॉल हुआ, मैं देखना पॉइंट किसको मिलता है। सही भाई के हाथों में बॉल थी, उन्होंने इसे दो दो बलाकर थे, दो बलाकर के बाद बिना डाक के वाली मार पाना बड़ा मुश्किल था, मगर ये कामयाब हुए बलाकर के हाथों को रखे। 12-6 इस बार, छोटे फेरे इस बार, हल्के हाथों पर रेस। सलमान भाई, नंदन भाई थोड़ा सा साइड में हो जाएं और आप लोग रेफरी के साइड में बिल्कुल ना खड़े रहें, क्योंकि मुझे रेफरी को ही देखना रहता है, तो आप लोग रेफरी से थोड़ा हटकर हो जाएं। बॉल दोबारा फिर क्रॉस किया, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस और हल्के हाथों पर रेस, इससे पहले कि कामयाब हो पाते। और यहां पर देखना है पट्टी बॉल, एक और पॉइंट जाता हुआ झकहिया के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 13। जबरदस्त बलाक नंदू हाथों, एक और पॉइंट झकहिया के खाते में जाता हुआ, तो स्कोर हुआ 14 और 7। अच्छा रिसीव तो नहीं मगर टॉफी के हाथों में बॉल थी, क्रॉस करना चाहते थे, नेट में फंसा बैठे और पॉइंट मिला झकहिया, तो स्कोर बढ़ता हुआ 15 और 7। ये छोटे से नेट पर वाली मारना चाहते थे मगर नेट में फंसा बैठे, एक और पॉइंट जाता हुआ झकहिया के खाते में, तो स्कोर हो 16 और 7। काफी फासला दोनों टीमों के बीच, 10-3, पहला क्वार्टर फाइनल मैच 21 पॉइंट का। बहुत अच्छा बलाक साहिल के हाथों, मैंने पहले ही बताया था कि साहिल बलाक के मामले में मशहूर है, अच्छा बलाक उनका रहता है। और रेफरी की बिसिल हुई 17-7। उसकी वजह यह थी कि साहिल वहां पर मौजूद नहीं थे और जो डिफेंसर थे आए, मुझे नहीं लगना चाहिए, तो अपने को स्कोर बढ़ता हुआ 8 और 17। काफी देर के बाद एक पॉइंट रिजिड क्लब हल्लोर के खाते में आता हुआ, तो 8 और 17। आउट बार बैठे, एक और पॉइंट हल्लोर के खाते में आता हुआ, तो स्कोर हुआ 9 और 17। 8 पॉइंट अभी भी पीछे, खेल है कभी भी साथ रख सकते हैं। और फिर एक बार आउट मार बैठे, जब जल्दी जल्दी पॉइंट मिलता है तो तारीफ, जिसका पॉइंट मिलता है सारी तारीफ। रेफरी की विसिल हुई, अच्छी सर्विस, बहुत अच्छा रिसीव और ये जबरदस्त वाली, कामयाब हुए झकहिया के खिलाड़ी, अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 18। और जबकि रिजवी क्लब हल्लोर अभी 10 पर बरकरार। इसलिए बेहतरीन बलात साहिल के हाथों, बलात से पॉइंट मिला हल्लोर को, स्कोर 11 और 18। इस बार बहुत ऊंचा रेस था और ये चेक आउट मारने में कामयाब साहिल। इस वाली से जो पॉइंट मिला, स्कोर बढ़ता हुआ झकहिया 19 और हल्लोर 11। अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम पीछे, देखना है छोटे से रेस, जबरदस्त वाली, समझ नहीं रहे पाए सेंटर में इनकी वाली पड़ेगी और उनके बॉडी को टच हुआ बॉल, तो 12 और 19 अभी भी। और इसीलिए आउट मार बैठे, एक और पॉइंट हल्लोर के खाते में आता हुआ, स्कोर हो 13 और 19। 6 पॉइंट अभी भी पीछे, खेल है कभी भी साथ रख सकते हैं, इस बार पूरा मौका है पॉइंट लेने का, वो कर चुके, कर दिखाया तौफीक ने, तो फिर टीम का स्कोर पहुंचाया 14 और 19। काफी देर से 19 पर रोका हुआ झकहिया का पॉइंट,
और नंदू के हाथों में बॉल है और फायदा उठाया। पॉइंट दिलाया अपनी टीम को, स्कोर बढ़ता हुआ 20 और 14। 20 और 14 से लास्ट पॉइंट लास्ट बॉल ये होगा झकहिया की तरफ से, और ये साहिल जबरदस्त ब्लॉक से वो पॉइंट ले लिया जिसकी जरूरत थी उन्हें, तो पहला सेट जीत लिया है झकहिया के खिलाड़ियों ने। बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला